के लिए पॉलिटिकल ड्रामा फिर संभव। दिसंबर में गरमाएगी राजस्थान की सियासत। नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति अपडेट में। आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन, मैं ज्योति राघव। खबर राजनीति अपडेट से, जहां सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर एक मंच पर साथ दिखाई दिए। भले ही ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों के लिए हुई कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक का मौका था, लेकिन ये तस्वीर दिसंबर में बदल सकती है। साल 2022 के इस अंतिम महीने में राजस्थान का मौसम भले ही ठंडा हो, मगर राजनीति का पारा गर्म होने वाला है। देश भर की नजरें गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजों पर होगी, लेकिन राजस्थान में फिर से बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा होने की संभावनाएं फिर से है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के लिए दिसंबर का महीना बड़ी उथल पुथल की ओर इशारा कर रहा है। आखिर दिसंबर में क्या होने वाला है, राजस्थान की राजनीति में क्या बदलाव होंगे जो देश की सुर्खियां बन सकते हैं, ये सब समझने के लिए सबसे पहले तो राजस्थान में अगले महीने होने वाले पॉलिटिकल इवेंट को जानना जरूरी है। ये इवेंट महज कार्यक्रम नहीं होंगे, बल्कि प्रदेश की सियासत को नई दिशा दे सकते हैं। राजस्थान में सियासी गर्मी तब बढ़ने लगेगी जब दिसंबर के पहले ही सप्ताह में राहुल गांधी की यात्रा झालरापाटन झालावाड़ से राजस्थान में एंट्री लेगी। सियासी संकट के बीच यह यात्रा राजस्थान से सफलतापूर्वक निकलना किसी चैलेंज से कम नहीं होगा, खासतौर से तब जब यहां गुर्जर और मीणा बाहुल्य इलाकों से गुजरेगी। आपको बता दें कि इन इलाकों में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का दबदबा है। पायलट को सीएम नहीं बनाए जाने की टीस यहां के लोगों में भी है। ऐसे में यात्रा के दौरान यह संभव है कि सचिन पायलट के समर्थन में माहौल नजर आए। इन बातों का इशारा अभी से मिलना शुरू हो गया है। यात्रा के राजस्थान पहुंचने से पहले चेतावनी और धमकी का दौर शुरू हो चुका है। अगर इस वजह से यात्रा के दौरान जरा भी माहौल बिगड़ता है तो यह पायलट को बैकफुट कर धकेल सकता है, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी की यात्रा सभी राज्यों में बिना किसी विवाद से होकर गुजरी है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश में रहने के दौरान ही कांग्रेस सरकार अपने 4 साल पूरे कर रही है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सरकार के पास अपने काम गिनाने और वाहवाही लूटने का अंतिम मौका है। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार इसकी पूरी तैयारियों में जुटी है, मगर इसी बीच बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर ली है। बीजेपी से गहलोत सरकार के 4 साल को विफलता गिनाने के सबसे अहम मौके के रूप में देख रही है, और हाल ही में राजस्थान बीजेपी की वर्किंग कमेटी की बैठक में भी जोरदार आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। राजस्थान का सियासी पारा तब और बढ़ेगा जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और बीजेपी की रथ यात्रा टकराएगी। फिलहाल माना जा रहा है कि 3 से 20 दिसंबर के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में रहेगी, मगर इसी दौरान बीजेपी प्रदेश भर की विधानसभा सीटों में अपनी रथ यात्रा निकालेगी। बीजेपी पूरे देश में रथ यात्रा के जरिए यह माहौल बनाने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस की सबसे खराब और कमजोर सरकार है, इसलिए बीजेपी कांग्रेस सरकार में बड़े अपराध, लगातार पेपर लीक प्रकरण, भर्तियां रद्द होने और सियासी संकट को मुद्दा बनाएगी। ये तो थे वो बड़े राजनीतिक घटना कार्यक्रम जो दिसंबर में राजस्थान में होने हैं, मगर इन घटना क्रमों से भी ज्यादा जरूरी इनका असर राजस्थान की सियासत की नई दिशा तय करेगा। दिसंबर में ही राजस्थान में सीएम की कुर्सी को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। गुजरात चुनाव 5 दिसंबर को पूरा हो जाएगा, वहीं 8 दिसंबर को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ऐसे में यह मानना जा रहा है कि इसके बाद राजस्थान के सीएम को लेकर चल रही अटकलें भी दूर हो जाएगी। अशोक गहलोत बने रहेंगे या सचिन पायलट सीएम की ताजपोशी होगी, ये फैसला भी यात्रा के दौरान ही लिया जाएगा। इसी के साथ पीसीसी चीफ और राजस्थान में कांग्रेस की रणनीति पर भी स्थितियां साफ हो जाएंगी। इसके साथ ही बीते 25 सितंबर को राजस्थान में जो पॉलिटिकल ड्रामा हुआ उसने कांग्रेस आलाकमान ने भी देखा। ऐसे में सीएम की कुर्सी को लेकर जो भी निर्णय कांग्रेस करेगी उसका असर भी दिसंबर में देखने को मिल जाएगा। कुछ लोगों का दावा है कि कांग्रेस गहलोत को हटाती है तो सरकार गिरने की पूरी संभावना है। वहीं अगर पायलट को सीएम नहीं बनाया जाता है तो 2023 में हार और राजस्थान में कांग्रेस के बिखरने का खतरा है। कांग्रेस नेता और राजनीति जानकारों का मानना है कि गुजरात चुनाव के ठीक बाद 25 सितंबर को प्रेशर पॉलिटिकल के घटनाक्रम में अनुशासनहीनता के दोषी पाए जाने वाले तीनों नेता शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर पर भी कार्रवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक यह तय है कि हाईकमान इन पर कार्रवाई करेगा। हालांकि कार्रवाई किस स्तर की होती है ये देखने वाली बात होगी। राजस्थान में बीजेपी भी कांग्रेस का चेहरा तय होने के इंतजार में है। कांग्रेस के निर्णय के आधार पर बीजेपी भी अपने रणनीति और अप्रोच तय करेगी।
माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस पायलट को आगे करती है तो बीजेपी अपनी वर्तमान रणनीति को बदल सकती है। दिसंबर का महीना राजस्थान बीजेपी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। दिसंबर में ही वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कार्यकाल आधिकारिक रूप से पूरा हो रहा है। ऐसे में इस पर भी निर्णय दिसंबर में हो सकता है। इसके अलावा सरकार के 4 साल के खिलाफ होने वाले आंदोलन में बीजेपी के नेता कितनी एकजुटता से काम करते हैं, इस पर भी बीजेपी की नजर है। ऐसे में 17 दिसंबर तक पूरे आंदोलनों में नेताओं की वर्किंग के आधार पर बीजेपी भी अपना निर्णय करेगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दिसंबर में जो निर्णय दोनों पार्टियों की ओर से लिए जाएंगे वो राजस्थान की सियासत की दिशा में बड़े मील के पत्थर साबित हो सकते हैं। हालांकि ये निर्णय किसके लिए फायदेमंद है और किसके लिए नुकसानदायक साबित होंगे, ये 2023 का चुनाव ही बताएगा। ऐसे ही ताजा अपडेट के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मरुधा बुलेटिन। मिलते हैं जल्द और खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।